गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट्स इन अवर लास्ट क्लास वी कम्पलीटेड अवर चैप्टर नंबर टेन टुडे वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर इलेवन एंड इट्स नेम इज़ सॉलिड लिक्विड एंड गैसेज इस चैप्टर में हम सॉलिड सॉलिड चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे एंड गैसेज के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम जानेंगे इस चैप्टर में वट इज़ मैटर मेड अप ऑफ जो भी मैटर होता है वो किस चीज़ से बना होता है उसके बारे में हम जानेंगे देन आफ्टर वी विल स्टडी अबाउट हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैसेज जब हम सॉलिड को हीट करते हैं कूल cool करते हैं तो क्या होता है लिक्विड को हीट करते हैं कूल cool करते हैं तो क्या होता है और गैसेज को हीट करते हैं और कूल cool करते हैं तो क्या होता है इन सभी चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे एंड देन आफ्टर वी विल स्टडी अबाउट फिजिकल एंड कैमिकल चेंजेस जो फिजिकल चेंजेस और कैमिकल चेंजेस होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे एट लास्ट में जैसे कि यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है हर चैप्टर में हमें एक एक्टिविटी दी दे रखी होती है हम उसको पहले करते हैं देन आफ्टर हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं वी नो द वाटर एग्जिस्ट इन थ्री फॉर्म्स हमें पता है जो वाटर है वो हमें कितने फॉर्म्स में मिलता है तीन फॉर्म्स में मिलता है कौन कौन से फॉर्म्स होती हैं पहला होता है सॉलिड दूसरा होता है लिक्विड और तीसरा होता है गैसियस ड्रो अ पिक्चर टू मैच द पिक्चर ऑन द लेफ्ट एंड दो हु राइट यहाँ पर कुछ पिक्चर्स बनी हुई है यहाँ पर आपको बताना है कि इनका सॉलिड लिक्विड और गैसियस फॉर्म कौन सा है जैसे सॉलिड यहाँ पर सुनो आपको दिख रहा है तो सॉलिड कौन सा है यहाँ पर सॉलिड हमारा क्या हो गया आइसक्रीम हो गया वैसे यहाँ पर लिक्विड है तो ऊपर वाला लिक्विड जो है वो लिक्विड से मैच कर देंगे और गैसेस वाले को हम गैसेस से मैच कर देंगे ओके ये तो बात हो गई एक्टिविटी की हमें कोई भी जो लिक्विड है वो हमें तीन फॉर्म्स में मिलता है एक सॉलिड एक लिक्विड एक गैस में अब बात आती है एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर जितनी भी चीज़ें यूनिवर्स में है मतलब आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें क्या हैं वो मैटर है अब मैटर होता क्या है मैटर ऐसी चीज़ जो क्या करती हो जगह घेरती हो और उसका अपना कोई मास हो मास मतलब उसका कोई वेट हो ओके तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे मैटर बोलेंगे जैसे आपके साइड में ग्लास रखा हुआ है तो वो ग्लास क्या है मैटर है बिकॉज उस ग्लास ने कोई ना कोई स्पेस को तो ऑक्यूपाई कराए जहाँ पर उसे हमने रखा है उतना स्पेस उसने घेरा है तो दैट इज़ कॉल्ड मैटर जैसे आप जिस टेबल पर बैठे हो आप जिस चेयर पर बैठे हो वो चेयर भी क्या है मैटर है मैटर कैन एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स जो मैटर है वो हमें तीन स्टेट्स में मिलते हैं कौन कौन से तीन स्टेट्स एक सॉलिड एक लिक्विड और एक गैस आप अपने आसपास में चीज़ों को देखोगे तो कुछ चीज़ें सॉलिड होंगी कुछ चीज़ें लिक्विड होंगी और कुछ चीज़ें आपको गैस फॉर्म में मिलेंगी जैसे आपके साइड में जो टेबल है वो क्या है सॉलिड है आपके साइड में जो वाटर रखा हुआ है ग्लास के अंदर वो क्या है वो लिक्विड है और गैसियस हमारे आसपास में जो एयर है वो क्या है दैट इज़ अ गैस मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स जितने भी मैटर्स होते हैं वो सभी मैटर्स छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम बोलते हैं एटम्स क्या बोलते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ओके हम इन्हीं सब चीजों के बारे में स्टडी करेंगे तो चलिए जानते हैं व्हाट इज मेड अप ऑफ जो मैटर है वो किस चीज से बना होता है मैंने आपको अभी बताया एटम से बना होता है एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज एंड कैन नॉट बी सीन आवर अवर नेकडाइज जो मैटर है उसे हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं. ओके okay? उसको देखने के लिए हमें एक वेरी पावरफुल माइक्रोस्कोप की नीड होती है ओके okay? हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही जो आइटम्स हैं उनको देख सकते हैं ओके okay? अगला आता है मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं जब दो आइटम्स को आपस में ज्वाइन कर देते हैं वैन टू और मोर एटम्स कंबाइंड टुगेदर जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स को हम आपस में जोड़ देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं मॉलिक्यूल्स कहते हैं जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पर हमने एक ऑक्सीजन और एक और ऑक्सीजन को ऐड कर दिया तो वो क्या बन गया ओ टू और O2 क्या होता है ऑक्सीजन ओके okay? तो ये ओ टू जो क्या हो गया ये ओ टू इज अ मॉलिक्यूल बिकॉज ओ टू के अंदर कितने ऑक्सीजन्स हैं दो ऑक्सीजन्स हैं तो इसकी इट मीन्स इसके अंदर दो एटम्स हैं वैसे ही एच टू ओ है तो एच टू ओ क्या है एच टू ओ एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है तो ये हमारा मॉलिक्यूल्स हो गया अगला आता है सॉलिड लिक्विड एंड गैस मैंने आपको जो बताया भी जो भी मैटर्स है वो कौन कौन सी फॉर्म में पाए जाते हैं वो सॉलिड लिक्विड और गैस के अंदर पाए जाते हैं अब ये जो मॉलिक्यूल्स है ये जो एटम्स है जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनके एटम्स बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं जैसे कि आपको इस डायग्राम में ए वाले में दिख रहा है जो ए वाला पार्ट है ये सॉलिड का है बी वाला पार्ट लिक्विड का और सी वाला पार्ट गैसियस का है जो पर्टिकल्स है किसके सॉलिड के वो पर्टिकल्स बहुत ज्यादा पास पास होते हैं ओके और लिक्विड के अंदर वो जो पर्टिकल्स है वो जो एटम्स है वो क्या होते हैं वो पर्टिकल्स दूर दूर होते हैं और गैसियस में वो बहुत ज्यादा दूर दूर, तो दूर दूर होते हैं क्लियर है तो ये कुछ मोमेंट पर्टिकल है सॉलिड लिक्विड गैस के अंदर अब इनके बीच में स्पेस की हम बात करते हैं जो सॉलिड पर्ट सॉलिड सब्सटेंस हैं उनके बीच में पर्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम होता है और जो लिक्विड है उसके बीच में स्पेस थोड़ा होता है और जो गैसेस है उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है ओके तो ये तो बात हो गई स्पेस की अब बात आती है हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लिक्विड्स जब हम लिक्विड्स को हीट करते हैं या कूल cool करते हैं तो क्या होता है चलिए आपने एक वर्ड सुना होगा एवोपरेशन एवोपरेशन क्या होता है दिस प्रोसेस इज इन विच लिक्विड चेंज इन टू गैसेज एवोपरेशन क्या है एवोपरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के अंदर जो लिक्विड है लिक्विड को जब हम हीट करते हैं तो वो कौन से फॉर्म में चेंज होता है गैस की फॉर्म में चेंज होता है तो उसे हम कहते हैं एवोपरेशन जैसे आप लोगों ने अपने घर में देखा भी होगा आजकल आपकी मम्मी पानी गर्म करती हैं आपको पीने देने के लिए तो उसमें से क्या होता है ना भाप निकलता है वाष्पीकरण होता है बेसिकली uh, हिंदी मीनिंग जो ऑपरेशन की होती है वो होती है वाष्पीकरण ओके okay? जब हम किसी भी लिक्विड को ऐड uh, क्या करते हैं हीट करते हैं तो उसके अंदर से एवोपरेशन होता है ओके okay? एंड जब उसे हम कूल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा इट मीन्स इससे हमें यह समझ में आता है जब हम किसी जैसे कि आइस है आइस क्या है सॉलिड पार्टिकल्स है उसको हम हीट करेंगे तो वो क्या होगा वो लिक्विड में चेंज होगा और लिक्विड को दोबारा से हीट करेंगे तो वो कौन सी फॉर्म में चेंज होगा जब वो एवोपरेट होके ऊपर उड़ जाएगा तो वो गैसिस फॉर्म में चेंज हो जाएगा ओके okay? तो वो गैसिस फॉर्म में चेंज हो जाएगा क्लियर है तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं जो भी हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर है उसे हम कूल cool करके और हीट करके चेंज कर सकते हैं अब हम कूल cool करेंगे तो क्या होगा जो गैसेस फॉर्म वाला है वो लिक्विड फॉर्म में आएगा और लिक्विड फॉर्म वाले को और भी ज़्यादा हम कूल cool करेंगे तो वो कौन से फॉर्म में चेंज हो जाएगा वो सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाएगा ओके हम अपने नेक्स्ट क्लास में हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ सॉलिड्स जो हैं इससे आगे के टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे आज हम यहीं तक डिस्कस uh, करेंगे आज का आपका होमवर्क जो है वो चैप्टर को रीड करना है थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट क्लास